चुनाव के हिसाब से उनके काम के अंतर्गत है। ऐसे हमारे नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी बैठक का समारोह करेंगे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और मंत्रियों की दृष्टि से जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, वन मंत्री भारत सरकार श्री भूपेंद्र यादव जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये सब लोग इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। बैठक के पहले चरण में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी और फिर संभागवार कुछ निश्चित विषयों को लेकर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद समारोह का सत्र होगा। उस समारोह के अवसर पर हम लोग एक साथ रहेंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में अनेक वर्षों से सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, जन कल्याण के मामले में कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। आज विकास की दृष्टि से देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक अधोसंरचना का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो, चाहे वो जिला मार्ग हो, चाहे वो राज्य मार्ग हो और चाहे नेशनल हाईवे जैसी संरचनाओं को बनाने का मामला हो। 2003 में जब हम सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट होता था। ये 2900 मेगावाट बिजली न तो गांव में दर्शन देती थी और शहर में भी कितना कट था, इसको मध्य प्रदेश के लोग अभी तक भूले नहीं हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और आज इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से हम सरप्लस स्टेट हैं और आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। गांव में भी 24 घंटे बिजली सिंचाई के लिए भी और निस्तार के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि खेती हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। जहां एक ओर खेती के रकबे में वृद्धि करना, वहीं दूसरी ओर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छी भूमिका का इन वर्षों में निर्वाह किया है और उसका परिणाम भी आज स्थान स्थान पर परिलक्षित हो रहा है। कृषि की दृष्टि से आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। हम फसल के उत्पादन में, बागवानी के उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में अग्रणी अवस्था में हैं। हम सब जानते हैं खेती के लिए सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब हम 2003 में सरकार में आए थे तो 6,875 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 46,00,000 हेक्टेयर में पूरे प्रदेश में सिंचाई हो रही है और इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में 65,00,000 हेक्टेयर
भूमि में सिंचाई हो, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए तो पीडीएस एक पक्ष है, आंगनबाड़ी दूसरा पक्ष है, और अनेक जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना है, संबल योजना है, लाडली बहना योजना है, कुपोषण को दूर करने के लिए हमारे ट्राइब्स बहनों को मदद करने का मामला है, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश से गरीबी दूर हो। कांग्रेस का कार्यकाल था, श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब से देश सुनता आ रहा है गरीबी हटाएंगे, लेकिन सरकारें बदलती रही, गरीबी हटी नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में 1,36,00,000 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि चुनाव का समय है तो अपनी उपलब्धियां सामने रखना, जो कुछ हमने किया है उसको कॉन्क्रीट रूप से, प्रामाणिक रूप से, आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखना, यही स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का परिचायक होता है। और इसलिए इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण की दृष्टि से जो काम किए गए हैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड कल भोपाल में अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसको रिलीज करने वाले हैं। साथ ही हम सब यह भी जानते हैं कि देश में प्रगति के लिए भ्रष्टाचार का विरोध, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना और पारदर्शिता के लिए प्रयास करना और पात्र व्यक्ति का हक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इस दृष्टि से मोदी सरकार ने 9 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया है। केंद्र सरकार के 53 मंत्रालय हैं जिन मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है। उसमें हम लोगों ने डीबीटी का रूट अपनाया और उसके कारण ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी और जो लीकेज था वो भी कम हुआ, सरकार की बचत भी हुई। मैं एक ही उदाहरण आप सब लोगों को देना चाहता हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मदद मिलती है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,61,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के माध्यम से जमा किया गया है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और गांव में जाते जाते 15 पैसे बचते हैं, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हम 6,000 रुपया भेजते हैं तो 6 का 6,000 रुपया पात्र किसान के पास पहुंचता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 1,41,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसानों को देने का काम किया गया है। तुलसी सिलावट साहब हमारे बीच में हैं, पिछले बार हम लोग इंदौर में इनके देख रेख में कार्यक्रम किए थे तो मध्य प्रदेश के किसानों को ही जो मुआवजे की राशि थी वो 7,000 करोड़ थी जो किसानों को बांटी गई। इसी प्रकार से चाहे वो पीएम आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, इन सब के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए। मैं पूरे देश का आंकड़े पर आपको नहीं बताना चाहता, आप सब ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर के जे हॉस्पिटल में कभी आपका जाना हो तो आप जाकर पता कर सकते हैं, पिछले 6-7 महीने में ग्वालियर के अकेले अस्पताल में, वैसे तो मुरार का अस्पताल भी है, हजीरे का अस्पताल भी है, बाकी अस्पताल भी हैं,
फिर बाकी निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल हैं, बिरला हॉस्पिटल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, ये भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इन सब में आयुष्मान योजना का लाभ पेशेंट को मिलता है। लेकिन अकेले जया रोग अस्पताल में 100 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त में आम आदमी का किया गया है। अब हम समझ सकते हैं कि अगर एक हॉस्पिटल में 6-7 महीने में 100 करोड़ रुपए का इलाज किया गया है, तो ये 100 करोड़ रुपया गरीब जनता का उसकी जेब में बचा या नहीं बचा? ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसलिए आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में विकास और गरीब कल्याण के विषय को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। जहां तक सामने वाली प्रतिस्पर्धी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके पास न विषय है न मुद्दा है। वो कुछ भी असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी उपलब्धि पर जिक्र करना चाहते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो उस सरकार की क्या उपलब्धि थी? 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में आपकी सरकार थी, उस सरकार की क्या उपलब्धि है? उस कालखंड में मध्य प्रदेश को क्या मिला? चुनाव में अगर ये चीज परोसेंगे तो ध्यान में आएगा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है। लेकिन कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है और उसके पास कोई विषय नहीं है। विषयहीनता और नेतृत्वहीनता के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन जनता इससे गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले बार का जो निर्वाचन था उसमें कुछ समय कांग्रेस को काम करने का अवसर मिला। उस समय भी कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण जनता उस पर भरोसा कर सके। हम कांग्रेस के डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते पर नहीं जाएंगे, विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर स्थिर रहेंगे, और यही हमारी ताकत है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, और यही हमारा परफॉर्मेंस है, और इसके आधार पर चुनाव में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जनता का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा। यही प्रमुख रूप से विषय मुझे आप सबके मध्य रखना था। आपके कोई प्रश्न होंगे तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा उनका समाधान कर सकूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री है या प्रदेश का पदाधिकारी है, राष्ट्र का पदाधिकारी है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये पहला विषय नहीं है। लगातार हम लोग अपना जब चुनाव की रचना करते हैं तो कोशिश करते हैं कि प्रदेश के लोगों को कौन कौन लोग और अधिक मदद कर सकते हैं। तो मदद करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में हैं। वो मंत्री भी हैं और वो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, वो हमारे प्रभारी भी हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी आते रहे हैं। मैं भी गुजरात में जाता रहा हूँ, मैं भी कर्नाटक में जाता रहा हूँ, मैं भी हरियाणा में जाता रहा हूँ, मैं भी पंजाब का प्रभारी मंत्री के नाते रहा हूँ, तो हमेशा कोशिश ये रहती है। वो पंडित जी हमारा मामला है, हम निबट लेंगे, आप चिंता नहीं करो। आप उत्सुकता जिन सीटों के लिए रखते हो उसकी सूची देना तो मैं कोशिश करूंगा। नासिर भाई, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से
अपनी रणनीति तो बनाती है और उस रणनीति के तहत ही संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं, उसी रणनीति के तहत राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसी रणनीति के तहत सभाएं होती हैं और उसी रणनीति के तहत टिकटों का चयन होता है। लेकिन वो रणनीति बन गई है और जब जब प्रकाश में लाने की बात रणनीति के अंतर्गत होगी तो हम लोग आपके सामने उसको जरूर रखेंगे। मोदी जी 15 अगस्त को नाम लेते हैं लोग पांडे जी इधर का सवाल पूछे थे नहीं आपके बाद पांडे जी इधर का बजाना पहले सवाल तय कर लो क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, जातिवाद, पूंजीवाद ऐसी तमाम सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि पार्टी में किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार का संकीर्ण वाद हावी ना हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी